आज कर्नाल में आए सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहुंचे, इशू ये है कि राज्यसभा की सीट जो खाली हुई हरियाणा में, तो विपक्ष के पास कोई राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए कोई कैंडिडेट नहीं था। तो कोई कैंडिडेट नहीं था तो हमने आजाद उम्मीदवार राज्यसभा के लिए अप्लाई किया है और जनता के उम्मीदवार के रूप में हम चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और विपक्ष से समर्थन मांग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हुड्डा साहब कह रहे हैं कि वो पहले उनके साइन लेके आओ, जेजेपी वाले चौटाला साहब कह रहे हैं कि उनके लेके आओ, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई बढ़िया पहलवान है तो आप दे सकते हो पहलवान, हम टाल कर देंगे, मना कर देंगे। लेकिन हमने जो 10 साल इस सरकार से लड़ाई लड़ी है, तो मेरा फर्ज बनता है, मेरा हक इन्हीं के ऊपर बनता है कि मैं विपक्ष के पास जाके ये कहें कि भाई आप हमारे को समर्थन करें। हारेगा जीतेगा उसमें हारने की भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि योद्धा जो होते हैं वो युद्ध में लड़ते हैं, हारेंगे जीतेंगे जिएंगे मरेंगे एक अलग चीज है। तो इसको लेकर हमने जो काम करे हैं आप सब साथियों ने देखे ही होंगे, तो चाहे फैमिली अड्डे का इशू था, थारा फूफा जिंदा आंदोलन की बात थी, चाहे खेल कोटे का सोटे वाला था, चाहे परावर की जमीन का मामला था, चाहे एसवाइल का मामला था, और बहुत से इशू हैं जिनको लेके हमने लड़ाई लड़ी, तो उसको लेके हम सपोर्ट करते हैं। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट भी है, पत्रकार साथियों से भी, कि कोई भी विपक्ष का नेता उनसे भी आप पूछिए, अगर आपके पास अगर उम्मीदवार नहीं है तो नवीन जैन का समर्थन करने में क्या इशू है। एक दर्जन केस मेरे ऊपर है, 20 साल से मैंने संघर्ष कर रखा है, तो उसमें कोई समस्या तो नहीं आनी चाहिए। अब उसको लेके हमारी कल की मीटिंग भी है और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कब इनसे कब मिलना है, क्या करना है। आपके संघर्ष से विपक्ष को क्या फायदा हुआ? मेरे ख्याल में तो सरकार को विपक्ष को ही होगा फायदा, तो फायदा तो जनता को होगा। विपक्ष को भी ये होता है कि सरकार से जब लड़ाई का टाइम था तो हम ही लड़े थे भाई साहब, केस तो मैं भुगत रहा हूँ, तारीख मैं भुगतूँ, और कोई थोड़ी भुगता है। और कोई इनके पास इतना तगड़ा पहलवान है संघर्ष का, जिसका 21 साल का संघर्ष है, उस दंगल में लिया हूँ ये आंगली है, मैं तो पहले नंबर की छुट्टी दे रहा हूँ। नहीं, मैं तो कांग्रेस बीजेपी कोई भी हो सरकार था, मैं तो 10 साल कांग्रेस से लड़ा हूँ, 10 साल बीजेपी से लड़ा हूँ। पार्टी में जाने का विचार बना रहे? नहीं, मैं तो आजाद उम्मीदवार हूँ, हम तो आजाद उम्मीदवार के रूप में लड़ रहे हैं। मेरे चाहने वाला तो कौन है? जनता आगे कही कि भाई इनके पास कोई उम्मीदवार नहीं है, तो आप खड़े हो जाओ, तो मैं अभी चलो ठीक है, तो इसलिए हम खड़े होंगे। आपको जो समर्थन देंगे अगर मान हार जाती है तो 2024 चुनाव में अभी उसका नुकसान ही होगा। इसमें हारा जीतती मैं हारूंगा, ये थोड़ी हार रही, ये थोड़ी हार रहे हैं, मैं हारूंगा हारूंगा तो इसमें हार जीत क्या देख रही हो, तो चुनाव में हार जीत होती रहे इसमें के बाद। अभी कल हमारी मीटिंग है, उसके बाद डिसाइड करेंगे हम कब किसके पास जाना है। अभी हमारे पास निर्दलीय विधायक है बलराज जी, उन्होंने समर्थन दिया है जी। अब मैं तो भाई साहब ये बात नहीं कह सकता, भविष्यवाणी तो मैं कैसे करूँ, जो अच्छी भी नहीं हूँ मैं तो, वो देगी नहीं देगी, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ अगर आपके पास और कोई बढ़िया पहलवान है तो उसको ले आओ, नहीं तो हम तो क्यों नहीं जाएंगे। बिल्कुल हुड्डा साहब के पास जाएंगे, दुष्यंत चौटाला साहब के भी, अब चौटाला साहब के भी, सब सभी विधायकों के पास जाएंगे। वो तो देगा नहीं देगा वो तो उसकी मर्जी, लेने तो हम जरूर जाएंगे। आपने साथ दिया था लोकसभा? नहीं, हमारा क्या साथ देना था भाई, हम तो किसी पार्टी में तो थे नहीं, हमारे पास तो बीजेपी कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार आए थे, दोनों का मान सम्मान किया था हमने, तो बहुत बढ़िया मान सम्मान किया था उसमें, तो हमने किसी को वोट का तो भाई लोगों का तो जिसका जीत जी कर गिरो, लेकिन कोई आएगा तो उसका मान सम्मान तो करना भी चाहिए। चलो कर लो ड्रामा, थोड़े दिन आओ मेरे गले, 5-7 दिन रह के देखो क्या बात है, ये ड्रामे करण में खींचा है, एक दर्जन केस लगवा दो, उनकी तारीख भुगत के देख लो, जो भी ड्रामा करके देखो, लट खा के देखो पुलिस की, ये वो थोड़ी है, वो फिल्म थोड़ी चल रही है, उसका ओके ना पुष्पा झुकेगा नहीं डरेगा नहीं, असली लट है पुलिस के, असली केस है। और जो ये इस तरह के कहते हैं दो गले सोदा का, मैंने जरूरत भी नहीं है इस तरह का, क्या जिसने जो कुछ बिना सोच समझ कोई कुछ भी बात बोल देगा उसका क्या करना होता है भाई साहब, जिसका मतलब हम तो सरकारों से लड़े, जिसका कुत्ते के लड़ने का विरोध नहीं होता, वो कुछ भी बोला आज बोले जाओ। राजनीति मैं तो राजनीति में था, मैं कद कहूँ हरी पूर्ण सा राजनीति थोड़ी है यार, तो संगठन है हमारा, हम तो उस संगठन तक काम कर रहे हैं, और मैं तो एक के बाद कह रहा हूँ राजनीति में, मैं तो उन तक कह रहा हूँ जो 100 करोड़ का हो वो आओ, समय हो हमारे द्वारा तो है नहीं, हम तो बर्बाद हो लिए, हमारा दिन के रहना है, मैं तो इसलिए उन लोगों को कहता हूँ। और राजनीति में कोई भी है, कोई सरकार में है आओ, बिल्कुल आओ, लेकिन अपना ब्योत देख कर सरकार में सेवा करो,
और विपक्ष में तो संघर्ष करो। जब पत्रकार विपक्ष की पार्टी के नेताओं से पूछे या विपक्ष की पार्टी नेताओं आपके ऊपर वो झाड़ते नजर आते हैं सवालों के जिला, क्यों किस लिए कर रहे हैं? वो तो उनका ये चढ़े हैं तो चढ़े, मैं क्या करूं भाई? मैं तेरे को सर्वे करवा लो, आप करवा लो सर्वे, जाओ। आप डरते हैं, लगाते हैं, क्या काम है? मन ने किए बेरा क्यों उठना है भाई? मैं तो एक सामान्य घर काम कर का बाड़ा हूं, हम तो लड़ाई लड़ा इन को डर है, डरे डर पोका तो मैं की करूं, डरे जाओ। मन ने की करना नेता का कौन सा किस कौन सी बात के सिर को नर कौन सी बात के पैर को ना? मैडम मेरी तो बात आंख भी हो, नाक भी हो, हाथ भी हो, पाँव भी हो, सब कुछ हो, मेरी तो कौन सी बात बताओ? सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस कौन सी पार्टी का रहा है? मेरा तो कोई सी का नहीं, मैं तो इंडिपेंडेंट ही रहे, हम तो अपने छात्र राजनीति की, फिर अन्ना आंदोलन था, फिर आम आदमी पार्टी आ गई थी, तो उसके बाद मैं किसी पार्टी में गए नहीं, 21 साल से मैं तो एक ही हूँ। आम आदमी पार्टी में कितना क्या है? मैंने ये मान लो आप मेरे ख्याल में 2013 से लेकर 27 साल तो रहा हूँ। आपने चुनाव लड़ा था, कितनी वोट आई? मेरी तो भाई रोहतक तक 14 में लड़ा था, जब मेरे ख्याल में 50,000 के आसपास आई थी, ठीक तक कोई चुनाव में लड़ा कौन है? अब कैसे उठाई है? आप अभी देखी होगी ना कैसे उठाई है? तो सड़क अच्छी बात है, सड़क पर क्या नहीं उतरेंगे? तो उतर जाएंगे आप, अगर विपक्ष में रहोगे तो सड़क पे उतरना पड़ेगा, वही एक समाधान है जनता का। मैं तो 21 साल से हूँ, मैं सरकार में रह के देखी, एक तो ना सरकार मैंने देखी नहीं हो, मैंने MP MLA मंत्री मुख्यमंत्री सरकार सब कुछ देख रखा है, और संघर्ष का अपना शौक है तो करते हैं। एक विशेष आप विपक्ष पार्टियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही कह रहा हूँ भाई, आपके पास अगर कोई पहलवान है तो उसको उतार लो, पार्टियों को बोलो, हम तो नहीं, मैं वही नहीं, विपक्षी पार्टियों को, चाहे कांग्रेस है, JJP लो या कोई भी पार्टी है, चाहे सत्ता पक्ष भी है, अगर किसी के पास नवीन जैन से तगड़ा पहलवान है उसको उतार के जनता में सर्वे करवा लो, अगर आपको ठीक लगे तो ठीक है। पैमाने का पैमाना किस प्रकार चेक करेंगे पार्टी? पैमाना ही तो कह रहा हूँ, पैमाना ही होता है, अभी आदमी आंदोलन कितने करे, कौन से मुद्दे उठाए, किनका समाधान करवाया, इतना पढ़ा लिखा है, पैसे तो है नहीं मेरे तो, पैसे पूछोगे अलावा कोई भी क्राइटेरिया रखे।